माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय माता धन्वंतरी, जय भगवान गणेश, जय भगवान कुबेर जरूर लिखें। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के बाद बांधे इस रंग का धागा मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। धनतेरस पर सोना चांदी धनिया और बर्तनों के साथ ही झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी घर छोड़कर नहीं जाती है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से पुराने कर्जों से छुटकारा मिलता है। सनातन धर्म में दिवाली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है, जिसका समापन भाई दूज पर होता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की तैयारी लोग महीनों पहले से करने लगते हैं। धनतेरस पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में धनतेरस पर सोना चांदी धनिया बर्तन और दिए के साथ ही झाड़ू खरीदने का भी चलन है। इस साल 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को धनतेरस मनाया जाएगा। इस दिन झाड़ू खरीदना और उसकी पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण व शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोना चांदी धनिया और बर्तनों के साथ ही झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी घर छोड़कर नहीं जाती है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से पुराने कर्जों से छुटकारा मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। धनतेरस पर सींक वाली या फिर फूल वाली मजबूत झाड़ू खरीदनी चाहिए। दिवाली व धनतेरस को बनने वाले खास योग के कारण ये दिन खरीदारी के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। धनतेरस को तो खरीदारी का महामुहूर्त होता है। इस दिन की गई खरीदारी बहुत शुभ और फलदायी होती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी जैसी धातु को घर लाना बहुत शुभ कहा जाता है। इससे साल भर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हालांकि इस दिन कुछ खास वस्तुएं खरीदने पर धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कृपा की बरसात कर देती है। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व होता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। इसके साथ ही इस दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर घर में लाने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपके घर में वास करती है। इसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाने से आपके घर में साल भर बरकत रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन के साथ ही अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं। मत्स्य पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे धनतेरस के दिन घर में लाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में वास करती है। कहते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर रहती हैं। इस दिन आपको फूल झाड़ू और सींक की झाड़ू दोनों खरीद कर लानी चाहिए। ध्यान रखें कि कभी भी इन दोनों झाड़ुओं को एक साथ न रखें। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें, ऐसा करना अशुभ मानते हैं। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए कि कभी भी बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति को झाड़ू नजर नहीं आनी चाहिए। धनतेरस से पहले साफ सफाई करने के साथ ही पुरानी झाड़ू घर से हटा देनी चाहिए। पुरानी झाड़ू हटाकर उसके स्थान पर नई झाड़ू रखें। ध्यान रखें कि झाड़ू को सदैव ही साफ हाथ से छुए, भूलकर भी अपवित्र शरीर से झाड़ू को स्पर्श न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आप आर्थिक संकट से घिरने लगते हैं। धनतेरस के दिन लाई गई झाड़ू को कभी भी खुला न रखें, हमेशा ढककर रखना चाहिए।
अक्सर लोग नई झाड़ू खरीदते हैं तो पुरानी फेंक देते हैं। हालांकि ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। धनतेरस की शाम को पुरानी झाड़ू की पूजा करें। मत्स्य पुराण के अनुसार धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। झाड़ू घर में पसरी दरिद्रता को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाती है। साफ सफाई से धन की देवी लक्ष्मी आकर्षित होकर वहां वास करती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर शुरू होगी और 11 नवंबर को दोपहर 01:57 पर समाप्त होगी। ऐसे में खरीदारी का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से 11 नवंबर को दोपहर 01:57 तक रहेगा। आप 10 और 11 नवंबर दोनों दिन खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि झाड़ू खरीदने के बाद हमें कौन से कलर के धागे को बांधना चाहिए। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बाद उस पर सफेद रंग का एक धागा बांधना चाहिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहे। उसके बाद में झाड़ू पर कुमकुम और अक्षत लगाएं। इस दिन भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि धन्वंतरी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन सच्चे मन से धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाए तो जीवन में स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याएं कभी परेशान नहीं करती है। धनतेरस के दिन सबसे पहले गणेश पूजा करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। Thank you.